हेलो गाइस, मेरा न्यू ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आ चुके हैं घाट पर, जिस घाट का नाम है पचमंडला। दोस्तों, इस घाट का नाम पचमंडला क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर देख रही है दोस्तों, यहाँ पर 5 मंदिर है। आप देख रहे हैं 5 मंदिर है, इसलिए इस घाट का नाम पचमंडला पड़ा। दोस्तों, कल बिहारियों का एक महापर्व आने वाला है, जिसका नाम है छठ। तो चलिए दिखाते हैं। और यहाँ पर साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी तरह से हो गया है, और अभी होने वाला है जो कि कल यहाँ पर छठ पूजा होगा, आप देख सकते हैं इवनिंग वाला। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस घाट का व्यू कैसा है। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं लोग, यह मेन द्वार है जो यहाँ से पचमंडला की तरफ हम लोग चल सकते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं तेजी में, जितना जल्दी हो सके। थोड़ा यह वीडियो हम थोड़ा आपको स्लो स्लो धीरे धीरे कर दिखाएंगे, क्या कि मानते हैं छठ माँ का बात है, तो एकदम सुंदरता से तो दिखना ही चाहिए। देखिए, यह पचमंडला भवानी जिसमें आपका स्वागत करता है। देखिए, जैसे कि आप लोग पचमंडला का मतलब 5 मंदिर के बारे में आप लोग तो जिक्र हो ही चुका है, सुन भी चुके हैं लोग। देखिए, यह पहला मंदिर था, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पानी में इतना अच्छा दृश्य दिख रहा है कि बिना दिखाए हुए मन नहीं मानेगा मेरा, इसलिए हम आपको बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं। देखिए, ये दूसरा मंदिर। देखिए दोस्तों, अब हम आपको तीसरा मंदिर की तरफ लेके चलते हैं, जो बहुत ही विशाल मंदिर है यहाँ का दिख रहा। देखिए, यह तीसरा मंदिर, इसके ठीक पीछे ही एक दिख रहा है मंदिर लाल कलर में, वह भी मान लीजिए चौथा मंदिर इसको मान लेते हैं। एक मंदिर और शेष बचता है, तो देखिए इधर साइड में बना हुआ है, दिखाते हैं आपको। देखिए, यह हो गया आपका एक पांचवा मंदिर, यानी पचमंडला का मतलब हो गया यहाँ पे 5 मंदिर बना हुआ है। चलिए, हम आपको 5 मंदिर को थोड़ा नज़दीक से घुमाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए पहला मंदिर, देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ पे। देखिए, छठ माँ का सब पेंट सेंट सजावट वजावट किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आप ये पेड़ देख रहे हैं जो कि काफ़ी पुराना है, और दोस्तों पीपल का पेड़ है। दोस्तों, लोग यहाँ पर पीपल का पूजा इसलिए करते हैं कि ये अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसको लोग पूजा करता है। आप ही लोग जहाँ पीपल का पेड़ हो उसको आप सुरक्षित रखिए। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, और हम लोग चले जाते हैं अब दूसरे मंदिर की ओर, जो कि इस पीपल का बगल में ही है। और दोस्तों, आप देखिए सामने राजेंद्र स्टेडियम है, देख रहे हैं, जस्ट इसी के सामने है पचमंडला घाट। दोस्तों, हम आपको पहला मंदिर दिखा चुके हैं, और आगे चलते हैं दूसरा मंदिर की ओर, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये दूसरा मंदिर है, आप देख सकते हैं, और इसी के सामने इसके बगल में एक किनार है। इसमें काफ़ी कूड़ा भरा हुआ है दोस्तों, कुआं को भी साफ सफाई रखना चाहिए। और चलिए दोस्तों, हम आपको तेजी में लेकर चलते हैं तीसरा मंदिर के पास। तो चलिए, हम बढ़ते हैं लोग, आइए देखिए अब यह तीसरा मंदिर। इसके पीछे जो आपको दिखाए थे वो दूसरा मंदिर मान लीजिए, ये तीसरा मंदिर है, आप देख सकते हैं इसका व्यू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लोग, कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, छठी मैया का प्रतिमा ही बनाया गया है, और यह नदी का तो व्यू कुछ इतना शानदार दिख रहा है कि कहिए ही मत। चलिए, हम आपको आगे की तरफ ले सकते। देखिए, यह हमारी टीम थी। देखिए, छठी मैया की प्रतिमा कितनी अच्छी बनी हुई है। हम थोड़ा वीडियो को तेज करके दिखा रहे हैं कि आपका समय भी बचे और आप पूरा यहाँ का व्यू भी देख सकें। समझ में आया ना दोस्तों? तो चलिए, हम आगे की तरफ देखते हैं, और चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं 5वां मंदिर, पचमंडला बोले थे, 5 मंदिर का आपका दर्शन करा चुके हैं। ये है 5वां मंदिर। अब आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं। और एक यहाँ पर भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सजावट हो चुका है और होने वाला है, चूँकि यहाँ पर अभी पंडाल नहीं गिरा है। कल चूँकि इवनिंग में होगा छठ पूजा, बिहारियों का महापर्व छठ पूजा कल होने वाला है, और काफ़ी अच्छा धूमधाम से होगा।
और काफ़ी अच्छा साफ सफाई पर भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि अभी यहाँ पर गाय बंधी हुई है, कल यहाँ पर नहीं रहेगी, हट जाएगी। यहाँ पर पंडाल भी गिरेगा, काफ़ी लोगों का भीड़ होगा, आप देख सकते हैं। चलिए हम अपने दोस्तों से मिलते हैं और बात करते हैं। चलो तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं दाह नदी घाट के पास। तो आइए हम आपको मिलाते हैं दाह नदी घाट के पास। यहाँ पे भी बहुत कुछ बन रहा है, देखिए यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं, लोग फट घाट का सब प्रतिमा बन रहा है। आप लोग अंदर भी घुमाएंगे और घाट भी घुमाएंगे। सब साफ सफाई हो चुका है और साफ सफाई चल रहा है अभी। तो चलिए मिलते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों देखिए, हम आपको मुख्य द्वार से अंदर की तरफ लेके चलते हैं। देखिए यह दाह नदी का मेन मंदिर जो है यही है, जिसके अंदर की तरफ हम आपको घुमाते हैं। यहाँ पे शिवलिंग रखाया गया है, आइए हम आपको दिखाते हैं शिवलिंग का दृश्य। बहुत सुंदर ही, बहुत अच्छा ही दिखेगा आपको। देखिए शिवलिंग रखा गया है। जय महादेव, जय महाकाल। जो देखिए यह दूसरा द्वार है, इसमें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे मतलब दो दो मंदिर बनाया गया है दाह नदी के पास। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लोग एक आपको दिखा चुके हैं, यह दूसरा है मंदिर। आइए हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं। और इसमें भी शायद शिवलिंग ही बनाया गया है। देखिए यहाँ पे शिवलिंग बनाया गया है, हाँ शिवलिंग ही बनाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है जय श्री राम। चलिए हम आपको आई की तरफ बढ़ते हैं और आई की तरफ दिखाते हैं दृश्य। देखिए यह सब बनाए गए हैं मंदिर के अंदर, और बहुत काफ़ी अच्छा सजावट भी किया गया है फूल से। देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लोग देखिए यहाँ पे राधा जी कृष्ण जी राधे राधे। देखिए यह फूल का सजावट किया गया है, बहुत सुंदर और अच्छा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, हम अब बाहर की तरफ चले आए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लोग ज़ोर शोर से काम चल रहा है, बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है छठी मैया का प्रतिमा। और बहुत ही दिल और लगन से यह पर्व मनाया जाता है। यह हम लोग का बिहारी और यूपियों का गर्व की बात है और हम लोग का महान पर्व भी है। देखिए दोस्तों, यह हमारी टीम आ रही है। चलिए हम आपको आई की तरफ लेके चलते हैं। चलिए हम आपको बढ़ाते हैं अब आई की तरफ। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देते हैं दोस्तों हम थोड़ा वीडियो फास्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है। अगर हम आपको बता दें कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, तो इस पर्व को सबसे पहले सूर्यदेव कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज ही भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। समझ गए दोस्तों, तो मिलते हैं हम न्यू वीडियो में। बस आज के लिए ही इतना ही।